और किस महल का क्या ऐतिहासिक योगदान है, कब बनाए गए थे, किस राजा ने बनवाए थे, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है, हमारा एक प्रिंसली स्टेट रहा है, तो इसलिए ज़्यादा किंग वहाँ हुए हैं। ठीक है, तो उन किंगों ने क्या क्या बनवाया है, उसका योगदान कहाँ से कहाँ रहा है, किस टाइम पीरियड के हैं, इन सारी बातों को जो है हम लोग देखते हैं और अपना सॉल्व करते समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको डीप नॉलेज मिलेगा, डीपली बताया जाएगा उसके बारे में। जैसा एक अपना पैलेस है, जय विलास पैलेस, या जिसको सिंधिया भवन भी कहते हैं, यहाँ पे महाराजा सिंधिया, और ये इसका स्थान, जय विलास पैलेस का स्थान कहाँ पे है, ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में, क्योंकि सिंधिया जो किंग थे वो ग्वालियर राज्य के थे, और ये इटालियन शैली पे आधारित है। ठीक है, एक इस शैली पे आधारित है, इटालियन शैली पे आधारित है। सिंधिया राज घराने का ये निवास स्थान भी है, वर्तमान में ये म्यूजियम भी है, एक संग्रहालय भी है। इसका निर्माण 1809 में, कहीं कहीं डाउट है, 1874 भी कहीं लिखा बुक में मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन 1809 में जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? जीवाजी राव सिंधिया जी ने बनवाया था, ग्वालियर में बनवाया था। ऐसा इनके ऊपर आरोप भी लगाया जाता है कि ग्वालियर राजघराना जो था अंग्रेज़ों का बहुत पेटेंट राजघराना था, और ये जो है झांसी की रानी का जो है इन्होंने हेल्प नहीं किया था, तो ऐसा कुछ इन पे आरोप लगाया जाता है। तो जीवाजी राव सिंधिया जी ने बनवाया था, ग्वालियर में बनवाया था। और इसके जो आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल सर माइकल फिलोस थे। सर माइकल फिलोस ने, इसके वास्तुकार थे, इसके आर्किटेक्ट थे, उन्होंने डिजाइन दिया था। और ये महल इटालियन आकार में बना हुआ है, इटालियन शैली में बना हुआ है। जीवाजी राव सिंधिया महाराज ने इसे बनवाया था। ठीक है, स्थान ग्वालियर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक बघेलिन महल आता है मेरे भाई, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दे ले लेते हैं। इसका स्थान मंडला, मंडला जिला एक पड़ता है मध्य प्रदेश का, मंडला प्लेस में है। मोती महल से 8 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे ये बना हुआ एक महल है। ठीक है, उसके बाद आता है मदन महल। ठीक है, मदन महल कौन बनवाया था, कहाँ पे है? मदन महल बनवाए थे जबलपुर में स्थित है। कहाँ कहाँ पे स्थित है मेरे भाई? ये जबलपुर में स्थित है, मदन महल जबलपुर में स्थित है। और आपको एक इंफॉर्मेटिव जानकारी ये है कि मदन महल जबलपुर साइड में एक जनजाति पाई जाती है जिसे गोंड जनजाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोंड जनजाति बोलते हैं। और एक ये मदन महल जबलपुर के का एक महत्वपूर्ण किला था। ठीक है, उसी में इसका निर्माण कराया गया था। निर्माण 11वीं सदी में, कब बनाया गया था? बहुत पुराना किला है, बहुत पुराना महल है मदन महल। इसका निर्माण 11वीं सदी में गोंड राजा मदन सिंह, कहीं कहीं मदन सिंह मिलता है और कहीं कहीं मदन साहब भी मिलता है, ने करवाया था। यह जबलपुर से 202 किलोमीटर दूर, सॉरी, यह जबलपुर से 2 किलोमीटर दूर और 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, जिससे शहर का पूरा पूरा व्यू दिखता है, इस महल से पूरे शहर का अच्छा व्यू दिखाई देता है। यह किला रानी दुर्गावती से जुड़ा है, और हम सभी लोग यही जानते हैं, यही पढ़े हैं कि रानी दुर्गावती गोंड महारानी थी, गोंड साम्राज्य की एक महारानी थी। तो यह किला रानी दुर्गावती से जुड़ा है, रानी दुर्गावती भी गोंड जनजाति से आती थी। ठीक है, एक है खरबूजा महल। खरबूजा महल कहाँ है? मध्य प्रदेश का एक जिला है धार। थार मत करिएगा, थार राजस्थान में आ जाता है, धार मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मराठों द्वारा इस किले का मरम्मत कराया गया था और खरबूजा महल का निर्माण भी कराया गया था। मराठे शासक जो थे, कल मैं आपको बताया था कि ये जो सिंधिया है, होलकर हो गया, मराठे हो गया, इनका एक कम्बिनेशन था, एक इनकी ट्रिटी थी जिसके तहत ये मिलके ही वर्क करते थे। तो खरबूजा महल जो है थार में था, खरबूजा किला, खरबूजा महल। यहाँ एक किला था जिसका मरम्मत मराठाओं ने करवाया था, और उसी में एक खरबूजा महल का भी निर्माण करवाया। और ऐसा माना जाता है, ऐसा बात बोली जाती है कि इसी महल में आनंदीबाई ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को जन्म दिया था। किसको जन्म दिया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय को जन्म दिया था। इसी महल में आनंदीबाई ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को जन्म दिया था। ये रही आज की इम्पोर्टेंट जानकारी महलों से रिलेटेड मध्य प्रदेश के। पार्ट टू का वीडियो हमारा है, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी हम अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।